हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे आप ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू को याद रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम वैल्यू को याद करना सीखेंगे। तो एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री, 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। सबसे पहले हमें क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 जीरो से लेकर 4 तक डिजिट लिखने हैं, फिर सबको 4 से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 4। अब इसका रूट कर देना है, इन सबका अंडर रूट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, 4 कट के तो एक ही आएगा हमारे पास। यहां पर 2 on the 2, 2 to the 4 1/2 आ रहा है, और यहां 0/4 तो ये तो 0 ही आ जाएगा। 1/4 मतलब 1 का रूट 1, और 4 का रूट कितना होगा हमारे पास, 4 का रूट कितना होगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। यहां देखिए 1/2 है, 1 का रूट 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये चीज आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर रूट 3, वैसे रह जाएगा, और ऊपर नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, और यहाँ रूट 1 का 1 आएगा। ये जो आपके पास सीरीज आई, ये आई है हमारे पास साइन थीटा की सीरीज। इसका मतलब ये अगर मैं इसको यहां पर थीटा लिख दूं, तो ये मेरे पास अगर ये साइन है, मतलब साइन थीटा है, तो साइन 0 डिग्री पे कितना होगा, 0। साइन 30 डिग्री पे कितना होगा, 1/2। साइन 45 पे कितना होगा, 1/√2। और साइन 60 पे कितना होगा, √3/2। और साइन 90 पे कितना होगा, 1। तो हमें सिर्फ एक ही सीरीज याद करनी है, बाकी सारा इससे बन जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम नेक्स्ट देखने की कोशिश करें, अब हम कॉस थीटा का लिखने की कोशिश करते हैं, तो जो कॉस थीटा की सीरीज आएगी, वो हमारे पास क्या है, यहां पर आ जाएगा आपके पास, इसको रिवर्स करके लिख दीजिए। ये जो आपके पास 1 है, इसको यहां ले आइए, ये √3/2 है, इसको यहां लाइए, √3/2। ये 1/√2 यहीं पर रह जाएगा, और ये 1/2 यहां पर रहेगा, और ये 0 आपका यहां पर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन गया, कॉस थीटा का सीरीज बन गया। अब हमें चाहिए टेन थीटा का, तो चलिए टेन थीटा का लिखते हैं। जो आपके पास टेन थीटा का आएगा, टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 0/1 कितना आएगा आंसर, 0। 1/2 अपॉन √3/2, जो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 1/√3। मतलब डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे पास टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, टेन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इसलिए हमने यहां पर इसको डिवाइड किया। सिमिलरली 1/√2 कितना आंसर आएगा, 1। आगे चलते हैं, यहां देखिए, यहां पर भी 2 आपका कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, तो यह हो जाएगा √3, यानी 1060 की वैल्यू आ गई √3। नेक्स्ट है 1/0, किसी चीज के भी नीचे अगर 0 आ जाए, अगर 1 को 0 भाग में डिवाइड करना है, तो इसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसको हम लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड या एनडी लिख देते हैं इसको। तो ये हमारा आ गया टेन थीटा तक का फॉर्मूला। तो हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा किया। चलिए आगे चलते हैं। ओके, So, ये हमारे पास टेन थीटा तक का हमने किया था। देखिए आगे, यहां पर हम कॉट थीटा करते हैं, जो कॉट थीटा है वो किसका होता है, टेन का उल्टा होता है। तो या तो आप सीधा यहां से उठाइए टेन वाला, नॉट डिफाइंड, यहां पर हमने लिख दिया नॉट डिफाइंड, और यहां से √3, यहां से 1/√3 और 0। तो ये हमने क्या लिख दिया, सिर्फ टेन जो था उसके नीचे हमने कॉट का लिख दिया टेन का देखकर। सिमिलरली जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, ये आपके पास कॉस थीटा है, अगर ये 1 है तो इसका सेक का क्या आएगा, 1/1, तो 1 ही आएगा। और ये √3/2 है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, यानी 2/√3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सेक थीटा होता है वो 1/cos थीटा होता है, यानी इसका रिवर्स होता है। सिमिलरली 1/√2 है, इसका आंसर क्या आएगा, √2। यहां देखिए 1/2 है, तो इसका क्या आएगा, 2/1 यानी 2। और यहां पर 0 है, यानी 1/0, अगर आप 1 को 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, नॉट डिफाइंड। तो यहां हमने लिख देना है नॉट डिफाइंड। चलिए अब हम आते हैं लास्ट, जो हमारा बचा है कोसेक थीटा, ये हमारा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन हमारे पास 0 है,
तो 1 बाय 0 नॉट डिफाइंड, ये 1 बाय 2 था तो 2 बाय 1 करना है, 2 बाय 1 का मतलब क्या हुआ 2, इसे क्या करेंगे अंडर रूट 2 बाय 1, इसका आ जाएगा अंडर रूट 2, यहां पर 2 अपॉन अंडर रूट 3, यहां गया 2 अपॉन अंडर रूट 3, और यहां पर 1 बाय 1 यानी आ गया हमारे पास 1। तो ये हमारे पास सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गई जिसकी वैल्यू हम याद रख सकते हैं। आपको सिर्फ पहला सीरीज याद करने की जरूरत है, बाकी इसके हेल्प से आप सारा याद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड काइंडली प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच।